इस वक्त हम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के घर के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस चर्च गेट में स्थित ये बिल्डिंग है, प्रेम कोर्ट इस बिल्डिंग का नाम है। सेकंड फ्लोर पर अजीत पवार रहते हैं। कल तक यहाँ कोई भी ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अजीत पवार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी जो है वो भारी संख्या में मौजूद है इस बिल्डिंग के गेट के बाहर भी और भीतर भी। बीजेपी और शिवसेना में मतभेद के बाद ऐसा लग रहा था कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन आज सुबह एक बड़ा पॉलिटिकल झटका लगा जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट दिया और सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली और उप मुख्यमंत्री पद के रूप में अजीत पवार ने जो है वो शपथ ली। एक नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है। और हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, अब ऐसे में अजीत पवार के साथ कौन से ये विधायक हैं जिन्होंने उन्हें समर्थन किया है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि उन्होंने विधायकों के समर्थन का लेटर जो है वो गवर्नर के पास दिया हुआ है। एक नया राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और अब भले इस वक्त अजीत पवार घर के भीतर मौजूद नहीं हो, लेकिन उनके घर के बाहर सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नरसिंह के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।